धम्म पद गाथा क्रमांक 338, 339, 343 ऐसे छह गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने धम्म पद में एक घटना के प्रसंग में कही है, तृष्णा को समझाने के लिए। आज दिनांक 26 दिसंबर 2020, ये धम्म पद की छह गाथाएं हैं जिसे हम कहेंगे। यथापि मूले अनुपद्वे दृढ़े छिन्नोपि रुख पुनरेव रुहति एवंपि तन्ना नुसये अनुहते निबत्तति दुख मिदं पुनः पुनः। दूसरी गाथा, यस छत्ति सती सोत्ता माना पसवना भूषा वहा वहंती दुधिठिं संकप्पा राग निश्चिता। तीसरी, सवंती सबधि सोता लता उपज तिठती तं च दिस्वा लतं जातं कुलं पन्याय छिन्दत। फिर चौथी गाथा, सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्यानि हुन्ति जन्तुनो ते सात्तिका सुखेसिनो ये ते जाति रूपपगा नरा। और पांचवी, तस्सीनाय पुरखता पजा परिसंपत्ति ससोव बंधितो संयोजन संघ सत्तका दुख मुपेन्ति पुनः पुनः चिराय। और छठी है, तसीनाय पुरखता पजा परिसपन्ति ससोवबन्धितो तस्मात् तसीनं विनोदय आखंकत विरागमत तनोति। ऐसे ये धम्मपद की छह गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने जब वो राजगृह के वेणु वन में तथागत बुद्ध एक समय विहार कर रहे थे और उस समय आनंद को साथ लेकर आनंद के साथ वो भिक्षाटन के लिए शहर में गए, राजगृह में गए और जाकर उन्होंने एक सुकर की बच्ची यानी सुकर यानी सुवर, ये जो सुवर होता है मल खाने वाला, ऐसे सुअर की बच्ची को तथागत बुद्ध ने देखकर मुस्कुरा लिया। तो जब बुद्ध मुस्कुराए तो आनंद ने देख लिया कि बुद्ध ने ये सुअर के बच्ची को सुकर के बच्ची को देखकर मुस्कुराया। कुछ न कुछ वजह होगा, क्या कारण होगा? तो आनंद पूछने लगे बुद्ध को कि बंते, आप इस सुअर की छोटी बच्ची को देखकर क्यों मुस्कुराए, क्या कारण है? तब बुद्ध को पूछने के बाद आनंद ने बताया, आनंद तुम देखते हो इस छोटे सुखर की बच्ची को देख रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूं। तो बुद्ध कहने लगे, ककु संद बुद्ध के काल में ये एक साधना करने वाले जो साधक भिक्षु थे उसके ही कुटी के सामने कहीं मकान में ये मुर्गी बनी थी, ये मुर्गी बनी थी उस समय। और जब ये साधना करने वाले भिक्षु
सती पठान का पाठ करने लगे, पाठ करते थे, तो ये मुर्गी बड़े चाव से उसे सुनते रहती थी, बहुत सुनती थी वो सती पठान के पाठ को, वो विपस्सना को वो सुनती रही। उसने जब घोष किया उस भिक्षु ने, तो उसने सुना जब वो स्वाध्याय कर रहा था, तो ये मुर्गी सुनते रही। और सुनते समय जब इस मुर्गी की मृत्यु हो गई, तो ये मुर्गी किसी राजकुल में पैदा हो गई, और वो भी म्यांमार की राजकुल में ये पैदा हो गई, और वहां पर उन्होंने अच्छी तरह से जीवन जिया। उसके बाद वहां से जब उसकी मृत्यु हो गई राजकुल से, तो वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो गई, और ब्रह्मलोक में उसने जीवन जिया, अच्छा जीवन जिया। उसके बाद अनेक योनि में वो गमनागमन करते हुए, यहाँ से वहाँ जन्म, यहाँ से मृत्यु है तो वहाँ जाती है, वहाँ से मृत्यु होती है, दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से मृत्यु होती है और वहाँ जाती है, इस प्रकार इसका गमन चलते रहा। ये भवतृष्णा कैसे जीव को कैसे घुमाती है, कैसे तृष्णा के बंधन में ये चित्त घूमते रहता है, जीव घूमते रहता है, ये बात तथागत बुद्ध ने इन छह गाथाओं में तृष्णा के विषय में विशेष रूप से बुद्ध ने बताया है कि ये जो तृष्णा है, इन्हें ये भव तृष्णा के क्या दोष होते हैं, जन्म मरण लेकर बार 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 दुख होना, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, इस प्रकार का गमन ऊपर नीचे ये होते रहता है, तो उसमें कई प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। तो इससे मुक्ति का रास्ता है कि तृष्णा को समझो, उसको जानो, और तृष्णा को जानकर समझकर उसे जड़ से निकालने का प्रयास करो, उसे मूल से निकालने का प्रयास करो, तो बहुत कल्याण होता है। नहीं तो ये तृष्णा यदि ऐसी होती है कि कोई बड़ा वृक्ष, जिस वृक्ष के उस वृक्ष की जड़ें, उसकी उसके मूल, उसकी जड़ें जमीन में बहुत सीधी भीतर चली जाती है, दाएं बाएं चारों ओर वो चली जाती है, और ऐसे उस पेड़ को काट लेने पर भी, उसकी डालियां काटी, उसके काट कर पेड़ को फेंक दिया है, लेकिन उसको काटने के बावजूद भी उस पेड़ की जड़ें भीतर होने से और भी वहां पर वो वृद्धिगत होने लगता है, वहां वो पेड़ पनपने लगता है, क्योंकि जड़ें भीतर है, जड़ें जब तक नहीं कटी तब तक वो पेड़ पुनः 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 बढ़ने लगता है। इसी प्रकार ये मन में निर्माण होने वाली तृष्णा है, ये तृष्णा बार 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 निर्माण होती है, वो 36 प्रकार की विषयों पर, वस्तुओं पर 36 प्रकार की तृष्णा निर्माण होती है, कोई प्रिय विषयों पर, और वो बढ़ते बढ़ते आसक्ति बढ़ती है, राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, संकल्प बढ़ता है, ये सारे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ते चली जाती है, जैसे जल का प्रवाह, नदी का प्रवाह, वो बहते बहते चला जाता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, उसी प्रकार नदी के जल प्रवाह जैसी ये तृष्णा बहती ही रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हर प्रकार के अवस्था से जाते हुए ये बहती रहती है। तृष्णा का जो स्रोत है, वो स्रोत बड़ा दीर्घ समय तक चलते रहता है, जैसी वृक्ष लता, ये वृक्ष लता, वृक्ष पर वो लता, या जिसे वेली कहते हैं, लता कहते हैं, वो वृक्ष पर निर्माण होती है और वृक्षों को घेर लेती है, और वो लता वहां स्थिर हो जाती है और वृक्ष खत्म हो जाता है, उसको नष्ट करा देती है। इसी प्रकार ऐसे इस तृष्णा को बुद्धिमान आदमी समझता है, प्रज्ञा से समझता है, ज्ञान से समझता है, और ज्ञान से समझकर, प्रज्ञा से समझकर उस तृष्णा को छिन्न विच्छिन्न करने का प्रयास करता है साधक।
प्रयास करता है बुद्धिमान व्यक्ति कि मैं इस तृष्णा के जाल में नहीं फंसूंगा, ऐसा संकल्प करके वो उसकी जड़ों से उसे निकालने का प्रयास करता है और विजयी होता है। तृष्णा की नदियां ये प्राणी के चित्त को वश कर लेती है और चित्त पर छा जाती है। वो व्यक्ति वो प्राणी समझ नहीं पाता है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, कौन मुझसे करा रहा है, वो समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता है, अज्ञान में होता है, उसमें वश हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य सुख के खोज में होता है, मुझे हमेशा सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, तो ऐसे सुख के खोज में रहने वाला व्यक्ति वो तृष्णा के पीछे दौड़ते रहता है, और हमेशा सुख के ही खोज में रहने वाला व्यक्ति वो जन्म से, जरा जरा से, मरण से, इस चक्र से वो छूट नहीं सकता, वो नहीं छूटता है। तृष्णा के बंधन में वो बंधे रह जाता है, बार बार बंधे जाता है। फिर बुद्ध ने इसी गाथा में उदाहरण दिया कि जैसे ये खरगोश होता है, वो खरगोश किसी निश्चित स्थान पर अपने सीमा में कुछ रहता है वो खरगोश, और वो अपने सीमा में वो खरगोश उसी स्थान पर आते जाते रहता है, चक्कर काटते रहता है, उसकी सीमा होती है, उसी सीमा में घूमेगा, उसमें वो चक्कर काटते रहेगा। इसी प्रकार तृष्णा के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति ऐसे ही चक्कर काटते रहता है, दुख भोगते रहता है, और वो जन्म जन्म बार 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 लेते रहता है। तृष्णा के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति ने अंतर्मुखी होकर उसने अपने आप में वैराग्य निर्माण करके, ज्ञान को निर्माण करके, प्रज्ञा को निर्माण करके अपने चित्त से तृष्णा को दूर करना चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए, तो परम आनंद, परम सुख जो व्यक्त नहीं कर सकते हम सामान्य भाषा में, उसे आनंद जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं जो किसी वस्तु पर डिपेंड होता है, ऐसा नहीं, तो वो एवर लास्टिंग पीस अपने आप भीतर से निर्माण होती है और बहुत कल्याण करती है। नहीं तो ये तृष्णा के जाल में जो आध्यात्मिक 18 प्रकार और बाह्य आंतरिक 18 और बाह्य 18 प्रकार, ऐसे 36 प्रकार की ये तृष्णा, ये तृष्णा के जो स्रोत होते हैं वो 36 प्रकार के होते हैं, और किसी प्रिय आलंबन पर, प्रिय विषय पर वो स्थिर हो जाते हैं, और उसके साथ वो व्यक्ति जीते रहता है, मिथ्या दृष्टि बढ़ते रहती है और उसी के साथ वो रहते रहता है। इसलिए बुद्ध ने उसमें दोष देखा, उसे काटने की बुद्ध ने सलाह दी, उसे काटो, ये 6 इंद्रियों के द्वारा निर्माण होने वाली जो तृष्णा है उसके वश मत हो, वो उसे काट कर उसमें गूंते न जाओ, उसमें बंधे न जाओ, तो उससे निकलने का प्रयास करके मुक्ति के रास्ते पर चलते रहो तो बहुत कल्याण होगा। नहीं तो ये तृष्णा ऐसी लिपट जाती है चित्त को कि उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, और एक बार यदि चित्त को वो लिपट गई, तृष्णा का अधीन यदि कोई व्यक्ति हो गया, बार बार तृष्णा का अधीन, सुख का अधीन, मुझे यही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, उसका अधीन कोई व्यक्ति हो गया, तो वो जन्म से, बुढ़ापे से, व्याधि से और मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता है। उसमें उसे बार 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 जाना पड़ता है, तो इसलिए 10 संयोजन उसको तोड़ना चाहिए, और 7 प्रकार के जो राग है, आसक्तियां है, उससे मुक्त होना चाहिए, तो अर्हत्व का लाभ होता है। इस प्रकार जब ये गाथा तथागत बुद्ध ने 6 गाथा तृष्णा पर बताई, तो ये सुनकर बहुत लोगों को उसी वक्त लाभ हुआ, धम्म संवेग जगा, धर्म भावना जगी, और बहुत लोगों ने श्रोतापत्ति फल को पा लिया।
उसके बाद और भी, ये तो वर्तमान कहानी बुद्ध ने बताई, उसके बाद की जो कहानी है इसके साथ और भी एक कहानी जुड़ी हुई है कि ये जो सुकर पोती का, एक बार श्रीलंका में ये सुकर पोती का कैसे कैसे जन्म लेते हुए गई, इसकी कहानी तथागत बुद्ध ने, भविष्य की कहानी भी तथागत बुद्ध ने बताई। तो ये सुकर पोती का जो है, वहां से मृत्यु के बाद वो म्यांमार के राजकुल में उसका जन्म हुआ। फिर वहां से च्युत होने के बाद, वहां से मृत्यु के बाद वो वाराणसी के एक बड़े धनी परिवार में उसका जन्म हुआ। फिर वहां से भी वाराणसी से मृत्यु के बाद वो सुरपारकपट्टन नाम के स्थल पर वो घोड़े के व्यापारी के घर में वो उत्पन्न हुई। उसके बाद वहां से मृत्यु के बाद वो कावेरीपट्टन में उत्पन्न हुई, एक नाविक के यहाँ। वहां से मुक्त होने के बाद अनुराधापुर के किसी वैभवशाली परिवार में वो उत्पन्न हो गई। उसके बाद एक भोकंतक ग्राम में उत्पन्न हुई, वो भी वैभवशाली परिवार, सुमन उसका उस समय नाम था। फिर श्रीलंका में ही दीर्घव्यापी राष्ट्र के महामुनि ग्राम में वो उत्पन्न हुई। उसके बाद राजा दुटुगामी ने उसको दीर्घव्यापी राष्ट्र में जाकर, उसको महादुटुगामी ने, जो श्रीलंका के राजा थे, वो बड़े अच्छे परिवार में उत्पन्न हुई थी, उसे देख लिया, उसे वो साथ ले गए, बड़े सत्कार से अपने साथ ले गया राजा दुटुगामी ने। और दुटुगामी ने जब साथ ले गया तो राजा दुटुगामी के जो अमात्य थे मंत्री, उसका नाम था लकुंटक अतिम्बर। ये लकुंटक अतिम्बर नाम के उसके मंत्री ने उसके साथ शादी की, ब्याह किया, अपनी भारिया बनाया। तो वहां पर वो रही उनकी भारिया बनकर। अब एक दिन कोटि पर्वतवासी महा अनुरुद्ध स्थवीर जब ये लकुंटक अतिम्बर के यहाँ वो भिक्षाटन के लिए आए, और भिक्षाटन के लिए आकर, वो पर्वत थे, भिक्षाटन के लिए आकर उन्होंने इसको देखा, और देखकर उन्होंने कहा, महा अनुरुद्ध स्थवीर ने लोगों को कहा कि आयुष्मानो, देखो ना कितना आश्चर्य है, यह जो है ना, आज ये इनकी भारिया बनी है, इनकी पत्नी बनी है, ये एक सुकर पोती का थी, सुकर की यानी सुवर की ये बच्ची थी, और आज ये ऐसे गमनागमन के जन्म जन्मांतर के भव में चलते हुए आज यहाँ पर ये अमात्य की पत्नी बनी हुई है। तो ये जब अनुरुद्ध, महा अनुरुद्ध स्थवीर ने जब बात बताई उसको देखकर, तो ये बात बताकर उसका जाति स्मरण उसको हो गया, उस भारिया को, उसके पत्नी को, उस मंत्री के पत्नी को। और जब जाति स्मरण उसको हो गया, वो जानने लगी कि कैसे कैसे मैं इस भव संसार में घूम रही थी, उसको जब याद आने लगी, एकदम संवेग जागा उसके मन में, और संवेग जागकर वो भिक्षुनी बन गई। उन्होंने मिनिस्टर को, अपने पति को आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी कि मुझे भिक्षुनी बनना है, आज मुझे याद आ गया कैसे कैसे मैं घूम रही हूँ, तो उन्होंने अनुमति दे दी, वो भिक्षुनी बन गई। और भिक्षुनी बनी, पंचबल थेरी के पास जाकर दीक्षा लेकर वो भिक्षुनी बनी। और भिक्षुनी बनकर जब महासती पठान सूत्र उसने सुना तो श्रोतापन्न फल पा लिया, और बाद में श्रोतापन्न फल पाने के बाद वो भिक्षुनी बनी, अर्हत बनी। और अर्हत बनने के बाद उनका जब परिनिर्वाण हुआ, तो अपने परिनिर्वाण के समय अर्हत बनने के बाद वो भिक्षुनी, अंतिम उसका जीवन है, तो वो सभी अपने भिक्षुनी संघ को बता रही थी अपनी कहानियाँ। अर्हत को सारी बातें याद आती है, पुनर्जन्म की याद, कहाँ थी, कैसी थी, क्या थी। तो जब उसने बताया तो उसने ये बताया कि मैं तो पहले मनुष्य योनि में पैदा हुई थी, मनुष्य योनि से मैं
कुक्कुट योनि में यानी मुर्गी बनी, उस योनि में मैं गई, मुर्गी योनि से मैं एक बाज पक्षी बनी, उसके बाद मैं राजगृह में उत्पन्न हुई, उसके बाद मैं प्रव्रजित प्रव्रजित हुई, एक प्रव्रजित होकर मैं वहाँ भी ध्यान करती थी, उसके बाद मैं एक सृष्टि कुल में उत्पन्न हुई, उसके बाद मैं सुकर योनि में उत्पन्न हुई, सुकर की बच्ची करके, उसके बाद मैं वहाँ से मृत्यु के बाद मैं सुवर्ण भूमि में उत्पन्न हुई, फिर वहाँ से मृत्यु के बाद मैं वाराणसी में धनी परिवार में उत्पन्न हुई, वहाँ से मृत्यु के बाद मैं सुरपारक पट्टन नाम के जगह पर मैं उत्पन्न हुई, फिर वहाँ से मृत्यु के बाद मैं कबीर पट्टन में उत्पन्न हो गई थी, वहाँ पर मैं एक धनी परिवार में उत्पन्न हुई, वहाँ से मैं मृत्यु के बाद अनुराधापुर में मैं एक धनी श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुई, वहाँ से मृत्यु के बाद मैं यहाँ उत्पन्न हुई वहाँ उत्पन्न हुई, ऐसा वो बताते बताते उसने अपने ऊंचे नीचे 13 जन्मों का वर्णन किया भिक्षुणी संघ को और बताया, भिक्षुणी हो ऐसे ऐसे मैं स्वयं घूमती रही हूँ, ये तृष्णा की वजह से घूमती रही हूँ, आज मैं उससे मुक्त हो गई हूँ, आज मैं अरहत बन गई हूँ। तो अपने परिनिर्वाण के समय उसने भिक्षुणी संघ को ये बताया, और ये बात तथागत बुद्ध ने पहले जान ली थी, और ये जानकर तथागत बुद्ध ने अरहत आनंद को उसका भूतकाल भी बताया उस सुकर पुत्तिका का भूतकाल बताया, उसका भविष्य बताया, और कैसा उसको ये अर्हत मिलेगा, ये बुद्ध जानकर मुस्करा गए कि आज तो ये ऐसी है, लेकिन गमनागमन में इस प्रकार से ये मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार की कहानी इस घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो किस प्रकार से कभी पशु योनि में व्यक्ति जन्म लेता है, तो कभी मनुष्य योनि कभी आता है, तो कभी देवता योनि में भी मनुष्य जन्म लेता है, देवता से कभी पशु योनि में भी आ सकता है, देवता से कभी मनुष्य योनि में भी आ सकता है, तो वहां से कभी और भी पशु योनि में जा सकता है, और भी मनुष्य योनि में जा सकता है। तो इस प्रकार ये गमनागमन जन्म मृत्यु का कैसे चलते रहता है, इसका उदाहरण इस गाथाओं के साथ और वो भिक्षुणी के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात तथागत बुद्ध ने इन गाथाओं के माध्यम से बताई, और जब वो भिक्षुणी बनकर उसने सद्धम्म के रास्ते चलकर साक्षात्कार किया अरहत पद का और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई, ऐसी कहानी धम्मपद की इन गाथाओं के साथ जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, आपके परिवार के छोटे बड़े लड़के बच्चे सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका सबका मंगल हो।